हेलो सो गाइस, वेलकम ऑन चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा नवंबर के टॉप 5 अपकमिंग फोन्स जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। ग्रोथ बहुत स्लो चल रही है भाई। मैं अभी वीडियोस इसीलिए नहीं पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चालू है। आज एक्चुअली सैटरडे है। अब मैं पता नहीं पोस्ट कभी करूँ, मेरे को ये पता नहीं है। आज ही कर दूँगा क्योंकि आज थोड़ा सा फ्री टाइम मिला है। सो गाइस, वीडियो को पूरी देखना। सो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, बात करें अपने फर्स्ट फ़ोन की तो डिस्प्ले इसका 6.4 फुल HD डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले मिलता है। स्क्रीन एमोलेड है और फुल स्क्रीन मोड मिलता है। फिर फोर रियर कैमरा, फिर 64+8+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। 64 GB का इंटरनल स्टोरेज है। 256 GB SD कार्ड, 4000 mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो बात करें इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की तो ये है 16,000 रुपये। उम्मीद करते हैं 16,000 के अंदर अंदर ही मोबाइल लॉन्च कर दें ये लोग। सो गाइस, इसकी जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो है 30 नवंबर 2019। तो बात करते हैं सेकंड फ़ोन की, वो है हुआवे नोवा 515 प्रो। एंड्रॉयड 9 पे चलता है, 6 GB रैम है। एट टेन पे चलता है भाई, बहुत सही है। डिस्प्ले इसका 6.2 इंचेस फुल HD है। फिर फोर रियर कैमरा से 48+8+2+2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। फिर बात करते हैं 128 GB के इंटरनल स्टोरेज, 256 GB SD कार्ड और 4000 mAh बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो बात करें इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की तो वो है 18,000 रुपये। सो गाइस, ये है इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट तो वो है 5 नवंबर 2019। सो गाइस, थर्ड लिस्ट पे है लेनोवो Z5 Pro। तो एंड्रॉयड 8.1 पे चलता है, 6 GB रैम है। स्नैपड्रैगन 710 पे चलता है प्रोसेसर। डिस्प्ले 6.39 इंच फुल HD है। सुपर एमोलेड स्क्रीन है। ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट ऑन स्क्रीन है और डुअल रियर कैमरा 16MP+24 MP। डुअल फ्रंट कैमरा 16MP+8 MP। फिर इंटरनल स्टोरेज 64 है। नो SD कार्ड, 3350 mAh बैटरी है। नो फास्ट चार्जिंग। तो इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करते हैं तो वो है 20,000। सो गाइस, और इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं तो वो है 29 नवंबर 2019। सो गाइस, फोर्थ फ़ोन है हुआवे नोवा 4E। एंड्रॉयड 9 पे चलता है, 4 GB रैम है। किरिन 710 पे चलता है भाई, 710 भी बहुत सही है, ठीक है। फिर डिस्प्ले 6.15 फुल HD पे चलते हैं। फिर ट्रिपल रियर कैमरा है, 24 MP+8 MP+2 MP। फ्रंट कैमरा 32 MP का है। फिर 128 GB 512 GB तक एक्सटेंड कर सकते हो। 3340 mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की, वो है 15,000 रुपये। सो इसकी जो लॉन्च डेट होगी वो अभी आपके स्क्रीन पे आएगी जो कि है 2 नवंबर 2019। सो गाइस, फिफ्थ फ़ोन है मोटो E6 प्लस। एंड्रॉयड 9 पे चलता है, 4 GB रैम है। मीडियाटेक हीलियो P22 पे चलता है। फिर डिस्प्ले का 6.1 इंच HD+ IPS LCD स्क्रीन है। डुअल रियर कैमरा है, 13+2 MP का। फ्रंट कैमरा 8 MP का है और 64 GB का स्टोरेज है। 512 GB एक्सटेंड कर सकते हो। 3000 mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। तो बात करते इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की, वो है 8,000 रुपीस। सो गाइस, इसकी जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट होगी नवंबर में वो है 30 नवंबर 2019। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को। और सो बाय गाइस।